हेलो वेलकम जे आर ट्यूब चैनल दोस्तों, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आज इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल में अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के बैकग्राउंड आराम से चेंज कर सकोगे, और अपना डायल पैड भी आराम से आप चेंज कर सकोगे। चाहे फिर आप उसमें अपनी गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की या एनीबॉडी किसी की भी आप तस्वीर आराम से ईजीली लगा सकोगे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल का डायल पैड कैसे चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और जानते हैं कि हम अपने डायल पैड में कैसे तस्वीर लगा सकते हैं। तो चलें दोस्तों, जे आर ट्यूब चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि एंड्रॉयड से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, डायल पैड का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, और उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसकी सेटिंग्स में जाना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स नज़र आ जाएंगी। जैसे ये इसके अंदर फॉन्ट्स चेंज है और ऊपर थीम स्टाइल वगैरह आपको काफ़ी सारे इसके अंदर नज़र आ जाएगा। पर हमें जो काम करना है वो हम करते हैं। आप ये हमारी फॉन्ट्स रीलोडिंग हो जाए, तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ से अपने डायल पैड का बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट करते हैं और गैलरी को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग अपनी तस्वीर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप ये तस्वीर आप रखना चाहते हो। तो यहाँ से मैं ये तस्वीर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से हमने इसे क्रॉप करनी है, और ये डन कर देते हैं यहाँ से। अभी हमारा ये बैकग्राउंड के ऊपर डायल के ऊपर हमारी तस्वीर लग गई होगी। आप ये देख सकते हो हमारी ये डायल पैड के ऊपर हमारे पीछे बैकग्राउंड तस्वीर चेंज हो चुकी है। इसी तरह हम लोग नीचे दूसरी तस्वीरें भी चेंज कर सकते हैं, काल बैकग्राउंड की तस्वीर, उसको भी चेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको वही सेम प्रोसेस है, खाली तस्वीर सेलेक्ट करनी, क्रॉप करनी है, और आप लोगों की तस्वीर ये क्रॉप करके यहाँ से खाली इसको डन कर दें, और ये देख लीजिए आपकी ये बूम, आपकी ये दूसरी तस्वीर भी लग गई कॉल बैक। ये कॉल लोगो का है, जो जहाँ पर हमारी कॉल हिस्ट्री नज़र आती है वहाँ से ये उसका बैकग्राउंड तस्वीर भी चेंज हो गई हमारी। यहाँ से भी हम लोग तीसरी तस्वीर भी चेंज कर लेते हैं हमारी कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट लिस्ट की जो बैकग्राउंड होता है हमारा, वो भी चेंज हो जाएगा यहाँ से इजीली। तो उसके लिए भी आपको खाली सिलेक्ट करना है और गैलरी के अंदर जाना है, और जो तस्वीर आप रखना चाहते हो उसको आपने सिलेक्ट करना है, और वो तस्वीर क्रॉप करके डन करना है आपने बस। और आपकी ये तस्वीर भी सेट हो गई, आप देख सकते हो। तो बड़े ही मज़े की एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इससे इजीली अपने डायल पैड और काफ़ी अच्छा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और मुझे दें इजाज़त। बाय बाय।